नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए महाभियोग का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया और इसे राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव बताया। वेंकैया नायडू पहले इस प्रस्ताव को लेकर अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और पूर्व सचिव मल्होत्रा से भी चर्चा कर चुके हैं। सभी ने एकमत इस प्रस्ताव के खिलाफ सहमति जताई। अब सवाल उठता है कि ऐसे में जब उपराष्ट्रपति विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं तो फिर विपक्ष के पास क्या रास्ता बचता है। दरअसल कांग्रेस ने रविवार को ही यह कह दिया था कि अगर ये प्रस्ताव खारिज होता है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे। कांग्रेस समेत तमाम नोटिस देने वाले विपक्षी दल इस फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस मामले को अंजाम तक ले जाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।